मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम अमृत नगर दादी कॉलोनी के विघन हर्ता नामी इमारत के पास है, जहां पे मुमरा की तरफ से जो पहला पेशेंट कोरोना का यहां पे पाया गया था, आज उसकी घर वापसी हुई है। इस मौके पर इमारत के सभी लोगों ने उनका फूलों से और ताली बजा कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर जानते हैं कि यहाँ के स्थानीय नगर सेवक शानु पठान ने क्या कहा। ले ले बेटा, शुरू से शानू भाई ने मेहनत की है और वहाँ पर भी आपके लिए बराबर मेहनत की है शानू भाई ने। बस और आपकी बिल्डिंग वासियों के लिए क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं, अभी कहूँगा मैं, अभी मेरे घर पे जाने का बस। तो सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मुमरा वासियों का, खासकर शानू भाई का भी, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे को इन्होंने साथ दिया है। अच्छा, ये लॉकडाउन का इनकी ये करे, इस्तेमाल करे और सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, बस चलिए जाने दीजिए। बहुत पेशेंट में से लगभग 14 पेशेंट दिवा प्रभाग समिति के अंदर की, उसके बाद 8 पेशेंट मुमरा के रिटर्न अभी इनको मिला के आ गए। जो पहला पेशेंट आज विघ्नर था वो भी आ गए और 8 पेशेंट आ गए। अब मुमरा कौसा के अंदर जो हाई रिस्क के पेशेंट है वो भी लगभग नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आई है, मैंने ऐसे मालूमत निकाल लिया। तो मुमरा कौसा को आने वाले दिनों में बहुत राहत मिलेगी, लेकिन सुहाना में एक पेशेंट बढ़ा है और आगे कौसा में भी कोई पेशेंट बढ़े, हमें एहतियाती की ज़रूरत है और सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको अच्छी बात ये बता दूं कि अभी तक ये बीमारी जो है वो सिर्फ जो रिलेटिव है और जो रिलेशन में कांटेक्ट वो उन्हीं के तरफ फैली है, आम तौर पे नहीं फैली है। हमें बाज़ारों में भीड़ रहने से बचना चाहिए और जो बाज़ार लगाए जा रहे उसको छोटे छोटे तबके में लोग, बाज़ार वालों से भी मेरी विनती है कि कॉम्प्लेक्सों में गलियों में छोटी छोटी दुकानें करके बेचें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख के बेचे, नहीं तो ये बीमारी से हमको आगे बहुत तकलीफ हुई। शानू भाई, बार बार आपकी तरफ से कहा जा रहा है, टीएमसी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन आपको ऐसा लगता नहीं कि कहीं ना कहीं लोग इसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं? ये तो देखिए, हमारे ऐसा नहीं है, जो समझदार लोग हैं वो उसका पालन भी कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ लोग ऐसी शरारत करते तो मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि ये मत सोचिए कल वो बीमारी दूसरे तक है, आज हमारे तक भी आ सकती है। आप देख रहे हैं कि शहर के कई लोग, गृह निर्माण मंत्री साहब भी इस बीमारी से लड़ाई करके आज मैं आपके जरिए बताना चाहता हूँ कि वो काफ़ी हद तक उनकी तबीयत में सुधार आ गए। तो देख रहे हैं कि आप बड़े बड़े लोग सब, बड़े छोटे से छोटे लोग, बड़े से बड़े लोग, कोई इस बीमारी से बच रहा नहीं। इसका एक ही चीज़ है, इसकी इलाज जो है वो एहतियाती है। हमको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा, हमको सैनिटाइज़र यूज़ करना पड़ेगा, हमको गर्म पानी पीना पड़ेगा, हमको हाथ धोना पड़ेगा और हमको बिना काम के घर से नहीं उतरना पड़ेगा, ये हमको सोचना पड़ेगा। और आज ये देखिए कि हमारी हॉस्पिटल वालों से रोज़ लड़ाई चल रही है कि नॉर्मल पेशेंट को हॉस्पिटल वाले ले रहे नहीं। मैं आपके ज़रिए उन हॉस्पिटल वालों को भी विनती करूँगा और ये चेतावनी भी है कि आप ऐसा मत करिए, इस मुश्किल घड़ी में मुमरा कौसा को आप नहीं छोड़ सकते। अगर ऐसा कुछ हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ये नियम भी है कि आपको पहले पेशेंट को देखना चाहिए, अगर आपने ऐसे उसके लिए अनदेखी करी तो आने वाले वक्त पे हम आपके हॉस्पिटल पे कार्रवाई करा के हमेशा के लिए भी बंद करवा सकते हैं उस पर। और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे, देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ, फिर एक नई खबर के साथ में हाजिर हूँ।